हेलो दोस्तों, किरण गुप्ता यूट्यूब में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ। आज फिर से मैं घूमने के लिए जा रही हूँ, तो अभी गाड़ी अभी निकलेगी तो गाड़ी पर बैठ करके जाऊंगी। आप लोग को भी लगता होगा ना कि बस मैं घूमती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो ऐसा है ना दोस्तों कि मैंने जीवन को, गरीबी को हर तरह से मैंने करीब से देखा है। जितना मैं मोटिवेशन वीडियो बनाती हूँ, आप देखे ही होंगे कि औरतों के दुखों के बारे में, पति पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए, बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए, वो सब के बारे में मैं वीडियो बनाते रहती हूँ हमेशा। तो मेरा कहने का मतलब है, बचपन से ही मेरे दिमाग में ये रहा है कि देखते आई हूँ, नजदीक से देखते आई हूँ कि औरत लोग, गांव की औरत लोग कितना सारा दुख झेलती आ रही है, अभी भी झेल रही है। तो कहने का मतलब है, मैं बोल रही तो बेटा हंस रहा है। चलो गाड़ी निकालो, समझा? मेरे तरफ ध्यान देने का मतलब नहीं है, तो हम अपना दोस्त लोग से बात कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो वीडियो बनाती है या घूमने के लिए जाते हैं, तो उसके बारे में नेगेटिव मत सोचिए। वो घर का भी काम करती है, औरत में बहुत ताकत होता है दोस्तों। वो घर का भी काम संभाल लेती है, बच्चों को भी संभाल लेती है, और कुछ टाइम मिलता है तो अपने लिए भी एंजॉय करने के लिए निकाले। मैं तो सभी बहनों को बोलती हूँ कि बहन लोग, अगर कुछ टाइम मिलता है तो आप अपने कुछ टाइम अपने जिंदगी को भी दे। पता है औरत लोग को अपना टाइम मिलना बहुत मुश्किल होता है, खासकर जिसके छोटे छोटे बच्चे होते। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे थे, अब बड़े हो गए हैं, तो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, सास ससुर कितना सास ससुर के शासन में रहती है, तो वो लोग अपने जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाती है। अभी मैं बाहर निकल रही हूँ, बारिश भी हुआ है दोस्तों, यहाँ वहाँ पूरा पानी जमा हुआ है। गाँव में तो बिल्कुल ही पानी नहीं है, किसान लोग बेचारा रो रहा है, क्या करे। अभी गेट खोल रही हूँ, गाड़ी पर बैठूंगी तो आराम से बात करूंगी आप लोग से। बड़ा मुश्किल है बरसात में कहीं जाना, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छा लगता है। देखिए गाड़ी पर आ गई है ना, लाइट ऑफ करना पड़ेगा क्या? देखिए अभी गाड़ी पर हूँ मैं, और हम लोग कहाँ थे कि हम लोग को, जो लेडीज लोग को, मैं सारे लेडीजों को बोलूंगी कि जो टाइम मिलता है वही टाइम में, थोड़ा बहुत टाइम में अपना एंजॉय कर सकते हैं, तो हम लोग को एंजॉय करना चाहिए। और मैं जब से सोशल मीडिया में आई हूँ, वीडियो बना रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, उससे पहले फोन पर कभी ये रिश्तेदार से कभी वो रिश्तेदार से बात किया करती थी, तो कभी वो कुछ बोल दिया करते थे, कभी मैं कुछ बोल दिया, इससे क्या होता था कि रिश्ता में खटास हो जाती थी। तो वो सबसे अच्छा है कि दोस्तों कि मैं सभी बहनों को बोलूंगी कि जो अकेले रहती हैं घर में, बोर होते रहती हैं, तो वो वीडियो बना सकती हैं। आजकल वीडियो का जमाना है, सोशल मीडिया में अच्छा लाइक भी मिल जाता है, और मोटिवेशन वीडियो मैं बनाती हूँ, आप लोग लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेशन के साथ मोटिवेट होते रहूं कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। तो ये मेरा मानना है, बात
कि मैं आप लोग को, बहनों लोग को, मैं ये जबरदस्ती नहीं बोलती हूँ कि आप लोग वीडियो बनाए, मतलब जहाँ आपको खुशी मिलती है वहीं पर एंजॉय करें, उसी बात को। अब किसी को खुशी मिलती है कि हम फोन पर ही बात करें तो वो भी कर सकती हैं, जिसको जहाँ खुशी मिले। वैसे तो बेचारी लेडीज लोग को तो कुछ ही समय मिलता है, शादी के बाद बच्चे, घर, पति संभालते, सास ससुर संभालते, अगर पति सही रहा तो ठीक है, नहीं वरना अगर नहीं सही रहा तो पूरा जिंदगी ही बेचारी का बेकार हो जाता है। वैसे मेरे घर में मेरे पति, मेरे बच्चे सब बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं, वैसा मेरा कोई शिकायत नहीं है। अब मैं पहुंच गई हूँ दोस्तों प्रभातम मॉल। किधर से गेट खोले, इधर से, उधर से। देखिए दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ मॉल में, और बेटी भी आई हुई है साथ में, हम लोग माँ बेटी ही एंजॉय करते रहते हैं। क्या करें, थोड़ा समय मिलता है तो खुद के लिए भी निकाल लेती हूँ। हर कोई को पता नहीं जिंदगी रहे या ना रहे, तो इंसान को जो टाइम मिलता है ना उसी टाइम में एंजॉय करना चाहिए। तो मुझे टाइम मिला है थोड़ा एंजॉय करने के लिए। अब मॉल देख सकते हैं दोस्तों, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। टाइम आपका घड़ी पहना है, देखिए ये है मेरी छोटी दोस्ती, ये क्यूट सा बच्चा भाग रहा है। चलो फ्रेंड्स, चलो तब मना किया है, 6:40 में, चलिए देख लेते हैं मूवी। वही तो क्यों, कितने बार बोल रहे हाँ, अब सारा रिकॉर्ड कीजिएगा तो सच्ची आ जाएगा। अच्छा नहीं रिकॉर्ड करेंगे आपका बात, ठीक है बंद करते हैं। मैं मॉल दिखा रही हूँ दोस्तों, देखिए कपड़ा उपड़ा सब है। देखिए कपड़ा कैसी लग रही हूँ, मैं बता सकते हैं। अभी मैं 3 घंटा मूवी के लिए दूंगी दोस्तों। वैसे तो घर पर कोई मूवी मैं देख नहीं पाती हूँ, सीरियल देखती हूँ। हाँ पैसा लेकर के आए हैं तो क्या बिना पैसा कोई आता है क्या, ऐसा पूछ रही है। ग्राउंड में चला गया, नहीं फिर घर जाएगा पापा, और कितना नीचे तो हम लोग को क्यों लेट करवा रहे हो, हम लोग को ऊपर पहुंचा देते। अरे कोई ना कोई अभी घुसे है, तो अभी टिकट कटवाएंगे। जब भी आते हो तो लेट ही हो जाता है मेरा ना। चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा लेट हुआ है, ज्यादा लेट नहीं हुआ है। ये देखिए और दिखा ना, अभी किसी को फोन करने का अलाव नहीं है, इनको तो सब फोन ही कर रहा है। जब वीडियो बना रहे थे तो भी फोन कर रहा था सब। देखो ये संतोष ना एकदम पागल है, बार बार जब फोन काट रहे हैं तो उसको समझ में आना चाहिए कि किस लिए फोन काट रहा है। सब बजने दो फोन, दो पैसे
लो बैग में है, अच्छे से निकलना, 500 का भी है और 100 का भी है, गिरा मत देना। तो दोस्तों आप अच्छी अच्छी कमेंट करना प्लीज, ताकि मैं अच्छी अच्छी और वीडियो बना सकूं। चलो आप लोग को बीच में मुझे रहना है, प्लीज प्लीज कमेंट करना। और मैं अगर टिकट कट जाता है तो मैं ब्लॉग खत्म करूंगी। अंदर जाकर बहुत अंधेरा मिलता है दोस्तों, तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी आप लोग को। और मैं जो भी बात बोली हूँ, अगर किसी को बुरा भी लगा होगा, इसके लिए मैं दिल से माफी मांग रही हूँ। और जिनको अच्छा लगा होगा तो मेरी बात को मेरे बहनें लोग, जितनी बहनों लोग हैं, सोचेंगे जरूर कि मैंने क्या बोला है। आप अपने लिए टाइम निकालिए, इंजॉय कीजिए, जिंदगी में हमेशा खुश रहिएगा, खुश रहना है। खुशी कोई आपको देने नहीं आएगा, खुशी आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, और आप ढूंढ सकते हैं। हर कोई को मैं बोलती हूँ, बहन हो या भाई हो, सभी को बोल रही हूँ कि खुशी चलकर नहीं आएगी, खुशी आपको ढूंढना पड़ेगा, और खुशी आपको इसी तरह से मिलेगी। जहाँ मिले, कोई गरीब इंसान को कपड़ा मिलता है तो कपड़े में खुश हो जाते हैं, खाना मिलता है तो खाने में खुश हो जाते हैं, मतलब जो मिलता है थोड़ा वो खुश हो जाते हैं। उन लोग से भी हम लोग को सीखना चाहिए कि इंसान को कैसे खुश रहने से दिमागी संतुलन ठीक रहता है दोस्तों, इसलिए खुश रहना चाहिए। तो मैं यहीं पर अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें दोस्तों। आप लोग का सपोर्ट को बहुत ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं इसी तरह से मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें लेकर मैं आप लोग के सामने में आती रहूँगी। और बाकी देखिए दोस्तों, थोड़ा सा एक चीज़ और दिखाऊंगी। हाँ अच्छा, देखिए दोस्तों नीचे का फ्लोर कितना सुंदर लग रहा है, ये सब देख करके भी बहुत मन खुश होता है, लगता है कि हाँ अपनी भी जिंदगी में कुछ है, खुशी है, खुशी का दो पल है, जिंदगी का दो पल है, जी लेना चाहिए। फिर ये पल आए ना आए, क्या भरोसा। तो आप लोग अपना ख्याल रखें दोस्तों, दिल से राधे राधे, और टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपना परिवार को भी ख्याल रखें। ऐसे ही मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें मैं लेकर के आऊँगी, वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, हर भूल के लिए आप लोग हमें क्षमा कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। बाय बाय।